ये छत का ऊपरी हिस्सा है, मतलब नीचे जो है जिसको हम ग्राउंड फ्लोर कहते हैं, उसके ऊपर जो फर्स्ट फ्लोर है वो अभी ऊपर हुआ नहीं है पूरा, उसकी ढलाई हुई नहीं है। तो मैं ये दिखाता हूँ अपना, अब ऊपर फर्स्ट फ्लोर से मेरे आंगन का व्यू क्या है। ये जिस जो मैंने पहले दिखाया था वो इस तरीके से दिखने में इस तरीके से है। अब जो है ये बजरंगबली जो है भगवान हनुमान जी का ये ध्वजा है, इसको हम लोग जो आप देख रहे हो मेरे पीछे का जो पोर्शन है ध्वजा के पास का है ना वो, और ये पूरा हिस्सा है आंगन का। जैसे इसके नीचे पीछे दिख रहा है आपको, ये दो पेड़ है, दो आम का पेड़ है, ये जिसमें गाय को हम लोग बैल को पाठा बकरी ये सब जो रखते थे वो वाला पार्ट है। अब जैसे धीरे धीरे कुछ स्थिति ठीक हुई परिवार की, गांव में ये टाटा स्काई है, टाटा स्काई जो है टीवी बिजली करंट जो है वो अब ये टाटा स्काई है, ये वाला पार्ट जो है ये इसका ऊपर वाला पोर्शन है जो रसोई है, रसोई का हिस्सा है ये। और अब गांव में भी लोगों का जो है ज़्यादातर मकान जो है वो ढलाई का ही है, पक्का का है, मतलब सॉलिड स्ट्रक्चर है। लोग अब पानी का टंकी भी यूज़ करते हैं, है ना, घर घर तक पानी पहुंचा हुआ है। उसके बाद ये गांव का और हिस्सा है जो हमारे छत से दिखाई देता है, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये वाला पोर्शन। जैसे अब ये है, ये मेरा इस साइड से ये है घर के पड़ोसी जो होते हैं उनका घर है ये, और ये और जगह का मकान दिखाई दे रहा है। छत जो है वो ये पीछे जो पड़ोसी हैं उनका मकान है, वो उसके पीछे का है। गांव में लोग आज भी मिलजुल के रहते हैं, लेकिन प्यार मोहब्बत वो वाली बातें नहीं है जिस समय हम लोग छोटे होते थे, जिस समय हम लोग बच्चे थे उस समय हम लोगों पे जो हमारे पड़ोसी होते थे, गोतिया जिसको कहते हैं गांव घर के लोग, वो ज़्यादा केयर करते थे। लोग दूसरे के बच्चों को अपना बच्चा समझते थे, उस पर ज़्यादा डिसिप्लिन करते थे कि बच्चा गलत ना करे, गलत रास्ते पे ना जाए, उनके वेलबींग का उनका वेलविशर हुआ करते थे। वो चाहते थे कि वो ये सोचते थे कि ये बच्चा दूसरे का बच्चा नहीं है, ये मेरा अपना बच्चा है। आज परिस्थितियाँ बदल गई है, गांव में भी दिखावापन आ गया, होली में, दशहरे में, दिवाली में वो बातें नहीं होती, वो प्यार मोहब्बत नहीं होता। पहले संसाधन की कमी होती थी, लोग को बड़े मुश्किल से खाने को मिलता था, लेकिन वो ज़्यादा खुश रहते थे। मुझे याद है जब माँ सब्ज़ी बनाती थी, कभी कभी अच्छा जैसे खाना बनता था, मान लो बेसन की सब्ज़ी बना दिया आपने, तो जो पड़ोसी होते थे पांच छह घर में, उसको छोटे छोटे कटोरी में डाल के हम लोग दे आते थे। उनके यहाँ भी कोई अच्छा खाना कभी बनता था तो वो लोग हमारे घर दे आते थे, तो वो एक प्यार मोहब्बत था, वो मिठास थी ज़िंदगी में। आज लोगों के पास पैसे हैं, संसाधन है, लेकिन वो प्यार मोहब्बत नहीं है, वो अपनापन नहीं है। पहले यदि कोई लोग बीमार पड़ता था किसी के घर में, तो उसके घर में पूरे गांव का लोग जुट जाता था। मतलब मेरा जो है वो हृदय भर गया है, मैं ये बातें जब कहता हूँ तो वो पुराना दिन याद आता है। वो जो एक संवेदना होती थी दिल में एक दूसरे के प्रति, गांव के लोगों में, वो चीज़ अब नहीं है, अब दिखावापन है, अब लोग अपने आप में ज़्यादा मशगूल रहते हैं।
ये छोटा वीडियो मैं बना रहा हूँ, फिर मैं आपको बताऊँगा आगे की कहानी। और ये लंबी कहानी है, फिर भी मैं बहुत शॉर्ट में करके बताऊँगा आपको कि एक छोटे से जहाँ संसाधनों की कमी रहते हुए भी कैसे कैसे स्ट्रगल करके लंदन तक पहुँच गए, लॉ की पढ़ाई कर ली। फिर मैं और चीज़ें बताऊँगा आपको कि कैसे होती है, क्या क्या चीज़ें घटती है ज़िंदगी में, सेल्फ मोटिवेशन क्या होता है।